मसला तो अब सारी दुनिया का ही है एक्चुअली। चले बच्चे फिर स्टार्ट करें हम, एक दफा आप थोड़ा सुन लें। तो अब जो है आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है। इसके आज के लेक्चर कंटेंट्स होंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होगा, बेनिफिट्स बताऊंगे क्या है ट्रीटमेंट के, इंडस्ट्रियल कंटेमिनेट्स एंड देयर इंपैक्ट, देन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी, बायोरेमिडिएशन प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायोरेमिडिएशन, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोरेमिडिएशन और कंक्लूजन होगा। लेकिन आज जितने हो सके आप कंटेंट को कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आप सबको पता होना चाहिए, मेरा ख्याल ये तो बच्चों वाली बात है, उनको पता होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है। अब जो वाटर कंटेमिनेटेड वाटर जो इंडस्ट्रीज से जो है वो निकलता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सच एज फैक्ट्री, मिल एंड माइंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लार्ज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स में होंगे। कभी आपने देखा ही होगा, सबने मेरा ख्याल ये देखा होगा, सॉलिड्स होते हैं वेस्ट, उसमें हाई एसिडिटी ज्यादा होती है, अल्कलिनिटी तो नहीं इतनी, एंड बाय इसमें वेरिएशन होता है फ्लो में ना। अच्छा, द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द मीन्स ऑफ डिस्पोजल। अब जो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, अब जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करती है कि हमारा वे ऑफ डिस्पोजल क्या है। विच में भी आइए, आप देख लेंगे सीवर वाटर है या बॉडी वाटर है या सच स्ट्रीम से कर रहा है, एस्टुएरी से निकल रहा है, अ लार्ज बॉडी फ्रेश वाटर है, ये रिकवरी ऑफ यूज। ठीक है, अब एस्टुएरी का पता है आपको क्या होती है? आवाज नहीं आई बच्चों को? अच्छा, एस्टुएरी होती है कि जहाँ पे ज्यादा सारे मतलब छोटे छोटे या तो बहुत दरिया वगैरह या कोई पॉन्ड्स वगैरह एक जगह पे इकट्ठे होके मिलते हैं, उस चीज को कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स हैं, यूज्ड टू डेवलप मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। कि ये हम करते हैं कि ट्रीटमेंट करते हैं टॉक्सिक कंपाउंड की, इसके ये फायदा है और हमें जो है ना आपको एक जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो जाती है, फ्री ऑफ टॉक्सिन्स हो जाते हैं। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉइल इंटेग्रिटी, कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर, हमें रिसोर्सेस मिलते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जो हम यूज करते हैं? दीज आर दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक्चुअली फर्स्ट इस पे आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर में भी सफाई करें तो सोचें कि सबसे पहले जो है आप जो देख रहे होते हैं कि जो मेन मेन जो है आपके पास डेब्रिस है, पहले आप उसको बड़ा बड़ा डेब्रिस नहीं होता जैसे कि जूस के डब्बे हैं या बड़ी बड़ी चीजें आपको विजिबल नजर आ रही है हाथ से उठा सकते हैं, पहले आप उसको उठा के साइड पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी का आप काम करेंगे। इसी तरह के वेस्ट वाटर में आपको कभी नजर आ रहा होगा जिसमें बड़े बड़े शॉपर हैं, कोई टिन पैक है और पता नहीं काफी वगैरह मतलब ईंटें कुछ भी हो सकता है, तो वो जो आपको फिजिकल नजर आ रही बड़ी बड़ी चीजें, पहले आप उनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, आप उनको फिजिकल रिमूवल उसकी जो है ना सेपरेशन करेंगे सॉलिड मटेरियल की, उसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अब जब प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं तो सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ड करती है कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रीटमेंट करवानी है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है ना उसकी डीकम्पोजिशन करेंगे, उसको यूटिलाइज कर देंगे, और इस जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 70-80% जो है वो वाटर जो है आपको प्योरीफाइड मिल जाता है। अब जो फाइनली है ना वो टर्शरी ट्रीटमेंट है, तो टर्शरी ट्रीटमेंट में आप ये काफी एक्सपेंसिव है और मतलब हर जगह फिजिबल नहीं है इसमें, मतलब ये तो इसमें 100% प्योरीफाइड वाटर मिल जाता है। अच्छा, अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही आ रहे हैं हम लोग पहले। अच्छा, प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर ली, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स है। ये है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर है, एक्टिवेटेड स्लज मेथड है, लेगूंस मेथड है, ऑक्सीजन पूल्स है। ठीक है, अब जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया कौन कौन से हो सकते हैं जो यूज होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, उसमें बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्जी है, एंड एक्टिनोमाइसिट्स है। ठीक
ठीक है। अब जो ओवरऑल ट्रीटमेंट क्या होती है उसकी एक फ्लो चार्ट से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। ये ना डिफरेंट प्लांट्स लगे होते हैं जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वेस्ट वाटर को क्लीन अप करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट वाटर देखें कहीं से भी सीवर से आ रहा है और कहीं से भी आ रहा है, उसके सबसे पहले उसको स्क्रीन किया जाता है। वही ना कि पहले सॉलिड वेस्ट जो है आप फिजिकल नजर आ रहे हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, फिर देन उसको ग्रिट बेसन की तरफ मूव करवाया जाता है। अब ग्रिट बेसन में क्या सेडिमेंटेशन होगी, सॉलिड वेस्ट की सेडिमेंटेशन करवाई जाती है और देन जो है ना उसके बाद ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो उनको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि जो सेडिमेंटेशन हो जाती है वो नीचे जो है बॉटम पे आके जो हैवी मटेरियल है ना सॉलिड वेस्ट है वो बॉटम पे सेट हो जाती है। अच्छा, और इसमें जो लेजेंड्स है ना ये जो ग्रीन है वो आपको शो करवा रहे हैं ना ये सॉलिड जो है वेस्ट यहाँ से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। और जो ब्लू एरो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लिक्विड ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, और जो है ना यहाँ से फिर जो नीचे सेडिमेंटेशन हो गई है जो सॉलिड वेस्ट की वो यहाँ से रिमूव करवा दिए जाते हैं प्राइमरी क्लैरिफायर में। अच्छा, उसके बाद एरेशन बेसन जो है ना उधर रिमूव करवाया जाता है मोटर को। एरेशन क्यों हम देते हैं, बच्चों की आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी? बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? मैम आ रही है बस। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल ही बच्चे चुप कर गए हैं, पता नहीं मैं शायद बोली जा रही हूँ, इंटरनेट में बंद है तो पता तो चल रहा है। अच्छा चले, अच्छा अब एरेशन क्यों करवाते हैं, एयर की पैसेज करवाते हैं, ऑक्सीजन अप्लाई की जाती है इधर ना। ऑक्सीजन क्यों हम देते हैं, इसलिए कि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए ना। अब माइक्रोब्स की ग्रोथ एनहेंस होगी तो क्या होगा कि वो डीकम्पोजिशन करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल जो वेस्ट वाटर के अंदर है, ऑर्गेनिक मैटर है, डीकम्पोज करेंगे और प्योरीफाई करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे भी जो सेडिमेंटेशन नीचे हो जाती है सेकेंडरी क्लैरिफायर लगाया होता है। अब जो सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है ना तो उसको यहाँ से डिस्पोज कर दिया जाता है। फिर देन यहाँ पे फिल्टर्स जो है ना नेक्स्ट लगे होते हैं। अब फिल्टर ये ना देखेंगे इसमें ना मतलब कोई भी हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि फिल्टर्स कौन कौन से है ना। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मेरा सा सारी बंद हो गई है, मैं आपको दोबारा अगर से निकालती हूँ होगा समझना जरूरी है थोड़ा सा। अब ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर इज एन अटैच ग्रोथ प्रोसेस होता है। इसमें ये प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट आर अटैच टू एन आगे है इनर्ट पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल इज यूज इन अटैच ग्रोथ प्रोसेस इंक्लूड, ये क्या कि आपके जो फिल्टर है ये कौन सा मटेरियल हो सकता है, रॉक का मटेरियल हो सकता है, ग्रेवल हो सकती है, स्लैग हो सकती है, सैंड हो सकती है, रेडवुड हो सकती है। रेडवुड पता है कि वो दरख्तों की कुछ आप लोगों ने देखी हो कि रेडवुड ये बहुत ज्यादा देर तक अलाइव रहते हैं, एवरग्रीन जो ट्रीज है उनकी होती है। अच्छा, और ये इसमें ना ये डिफरेंट चीजें हम यूज कर सकते हैं, कभी आपने देखा भी होगा रॉक्स होगी, सैंड होगी, वो जो एज ए फिल्टर के तौर पर यूज करते हैं कि क्लीन अप करने के लिए, ठीक है। चले हम उसी लेक्चर की तरफ ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फिल्टर इसलिए बता रही थी कि आप जो है ना यहाँ सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो वाटर है फिल्टर के थ्रू यहाँ पे जो है ना फिल्टर किया जाता है। अब यहाँ पे ना ये बायोफिल्म बन जाती है, ये देखिए कि ये जो फिल्टर है ना इसके ऊपर जितनी डीकम्पोजिशन की है ऑर्गेनिक मैटर की माइक्रोब्स ने उनकी ये बायोफिल्म बन जाती है, जैसे हमें थिक हो जाता है, पता चलता है कि इतना हमने डीकम्पोज किया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमें जो है मैक्सिमम वाटर जो है प्योरीफाइड मिल जाता है, फिर इसको हम डिसइंफेक्ट करवाते हैं और देन जो है क्लीन जो वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं। ये एक ओवरऑल ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेजेस में मैंने बता दिया आपको। अब सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है इसको भी एरोबिक एनएरोबिक ट्रीटमेंट्स हैं। आगे फिर आपको सारे फिल्टर्स और प्लांट्स किस तरह से वर्क करते हैं वो बताएंगे।
आज के लेक्चर के मेरा ख्याल उनको भी इतना ही बताया है, तो आपको भी यही वाइंड अप करवाती हूँ कि आपने जो है आज मेरा ख्याल असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है या कुछ लोगों ने अपलोड करनी है, कुछ ने करनी है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से ना आप लोगों की मतलब रेगुलरली क्लासेस होंगी। इस वीक थोड़ा स्टार्ट था ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सा इशू भी था, सेटलमेंट का भी और आपके साथ ही, और इस तरह से ना कुछ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रूटीन में अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल भी क्लासेस होंगी। तो मेरा ख्याल अभी टाइम है, ये कितना टाइम हो गया, 19 मिनट्स हुए अभी तो, लेकिन उनको भी इतना ही आज करवाया है जी मैम, काफी है इतना ही आज। हाँ चलिए फिर नेक्स्ट में है ना, अब आपको समझ में आई है रामुल्ला, इनामुल्ला ही है, नहीं वो दूसरी क्लास में मेरा ख्याल। अच्छा, वो एमएससी का मैडम। हाँ जी मैम वो एमएससी। अच्छा अच्छा वो क्या था, समझ नहीं आई मैडम, तो उसको मैंने थोड़ी सी दोबारा ब्रीफिंग दी। आप लोगों को समझ में आ रही है जी मैम? अभी कुछ समझ में आया कि सिंपल सा टॉपिक है कि वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, वो क्या है, उसके डिफरेंट मेथड जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज किए जाते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ना, तो उसमें सबसे पहले आपने याद रखा प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मेथड्स है। प्राइमरी मेथड में तो ये है कि जो आपको वैसे फिजिकल जो है आप रिमूव कर रहे हैं जो सॉलिड वेस्ट है उसको, फिर उसके बाद सेकेंडरी है जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उसको कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करवा रहे हैं, तो यही तो उसके साथ हम जो है ना वो डीकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर जो भी सॉलिड वेस्ट वगैरह उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद हमने जो टर्शियरी है उसमें आपको फुली प्यूरिफाइड वाटर मिल जाता है। अब डिफरेंट जो एक जो है प्रिंसिपल सबका एक ही है ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, लेकिन अब इसमें डिफरेंट जो है ना जो मेथड है इनमें डिफरेंट वो फिल्टर और डिफरेंट थोड़ा सा ना टेक्निक्स यूज होती है, तो उसमें जो है फिल्टर भी डिफरेंट यूज होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे जो है ना अभी नेक्स्ट ईयर। तो मेरा ख्याल अब क्लियर है, आप लोगों को यहाँ पे आज फारिग करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। समझ आ रही है? हाँ जी। बच्चे आप पूछ रहे थे कुछ? जी जी मैम, इंडस्ट्रियल वेस्ट का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर जाता है? एक्चुअली उसके अंदर जो है ना एक दो उसके अंदर वो जो सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, आपने कभी गौर किया है कि आपके ना वो पता नहीं शोर बहुत आ रहा है, एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब पता है एसिड का जहाँ पे फंक्शन हो रहे होते हैं वो ना एक स्मेल से भी प्रोड्यूस होती है गैस से, और गैसेस की वजह से वो उनका टेम्परेचर हाई होता है। और मैम आपने जो पहला बेनिफिट बताया जरा वो बता दें मैम। बेनिफिट ये तो मैंने वैसे बेनिफिट बताए हैं कि फायदे क्या हैं, हम जो है ना यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, अब हम ना इसका ये फायदा है कि हमें मेथड एक हमारे पास आ जाता है, उसकी बेस पे हम एक नॉवल मेथड भी डिस्कवर कर सकते हैं कि हम टॉक्सिक कंपाउंड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वाटर से, ठीक है मैम। मतलब इसके लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं यूज होती, इसमें वो टेक्निक यूज, यानी कि कोई भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास काफी टेक्निक्स हैं। अब उसका ये फायदा ये है कि हम पानी को जब क्लीन अप करते हैं अब हमारे पास एक सिस्टम डिवेलप हो जाता है कि किस तरह से करना है टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करना है, ठीक है ओके। फिर हमारे पास एक डिजाइन आ जाता है, हम न्यू नॉवल जो है टेक्नोलॉजीज भी उसी को इसी की बेस को देखते हुए आप बना सकते हैं। आप पता है ये जो नेस्ले वाटर है, गोरमे वाटर है, इन लोगों के जितने मतलब एक्सपेंसिव फिल्टर्स लगाए होते हैं ना उसी लिहाज से उसका रेट होता है। अब नेस्ले वालों का जो प्योरिफिकेशन का जो मेथड है ना वो काफी एक्सपेंसिव है, इसी वजह से उसका रेट काफी हाई है, 250 की आई थिंक होगी नेस्ले की मोटर जो है वो 19 लीटर की आई थिंक से मिलती है, गोरमे वालों की 100 की, लेकिन वो भी प्योरिफाइड ही है, लेकिन उनका उनका जितना जो एक्सपेंसिव मेथड यूज करते हैं ना उस बेस पे वो उसके पैसे ज्यादा होते हैं। Okay, so, ये है। Thank you, okay, okay, Allah Hafiz.